आ जाएं सब लोग, आ जाएं, मेरे ख्याल अच्छा नहीं लगेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आ जाएं यार, आ जाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मीडिया के दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मीडिया से ही आगाज़ करता हूं कि हमारे मीडिया के ये दोस्त, ख़ासतौर पर हमारे कैमरा मैन हज़रात, रिपोर्टर हज़रात, फ़ोटोग्राफ़र्स, ये मुसलसल यहाँ पर अपनी पेशावराना खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और अगर आपको यहाँ कोई ज़हमत होती हो तो हम उसके लिए माजरत भी चाहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश हमारे मुंतज़मीन की यही है कि आप अपने काम को अच्छी तरीके से जारी रखें। और हमारे धरने के शुरका से भी यही दरख्वास्त भी होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे कोऑर्डिनेशन से ये पूरा काम चल रहा है। एको कम कर दें इसका। इसी तरह हम ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि मजमूई तौर पर किसी की ये ख्वाहिश नहीं होती कि अपने घर बार को, बीवी बच्चों को छोड़कर लोग सड़कों पर आकर बैठ जाएं। लेकिन जब हुकुमरान और हुकुमरान तबका हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दे और ना यहाँ प्रॉपर जमहूरी आज़ादियाँ हों और ना यहाँ लोगों को कोई रिलीफ दिलाया जा रहा हो, पार्लियामेंट अपने हिस्से का काम ना कर रही हो बल्कि रबर स्टैम्प हो, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं मसलन नेपरा, जब इनका काम सिर्फ ये हो कि हुकूमत की तरफ से जो भी हिदायत आएगी उसके ऊपर स्टैंप लगानी है, जब इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए तो जाहिर सी बात है कि फिर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि पुरमन सियासी मुजाहमत की जाए, एहतजाज किया जाए। और यह एहतजाज और यह मुजाहमत भी आइन और कानून के मुताबिक है, और पाकिस्तान का आइन हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए धरना भी कर सकते हैं, जलसा भी कर सकते हैं, एहतजाज भी कर सकते हैं। फिर बात यह है कि मामला सिर्फ ये भी नहीं है कि इसमें कोई जमात इस्लामी का या जमात इस्लामी के लोगों का कोई प्रॉब्लम है, ये तो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का मसला है, ये तो बिजली के बिल बम बनकर जो गिर रहे हैं हर घर का मसला है, गरीबों का तो जीना इन्होंने दूभर कर दिया है। आप अंदाज़ा लगाएं छोटे छोटे घरों में रहने वालों के बिजली के बिल अगर उनके किरायों से भी ज़्यादा आते हों तो वो कहाँ से इनको अदा करेंगे। बच्चों की तालीम अगर दिलाना चाहते हैं तो कैसे दिलाएंगे, कोई बीमार हो जाए तो इसका इलाज कैसे करवाएंगे। इन्होंने मिनिमम वेज 37,000 रुपये रखी है। शहबाज शरीफ साहब कभी कौम को बताएं तो सही, एक सबसे गरीब आदमी जिसके पास छोटा सा कोई मकान हो जिसमें बमुश्किल वो रह पाता हो, उसका एक बजट बना के वो दिखा दें कि वो 37,000 में कैसे गुजारा करेगा, वो कैसे बिजली की कीमत अदा करे, कैसे गैस की कीमत अदा करे। गैस उसे आपने फराहम नहीं की तो उसे LPG लानी पड़ेगी, और वो LPG इंतहाई महंगी होती चली गई हो तो आप अंदाज़ा लगाएं कि गरीब आदमी फिर क्या करे, या तो वो चोरी करे, डाका डाले, या वो मुनशियात का आदि बनकर अपने आप को इस दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश करे या खुदकुशी करे, और क्या रास्ता है। लेकिन एक रास्ता मुल्क के इन सारे गरीबों के पास मौजूद है, और वो ये है कि वो इस ज़बरदस्त किस्म की सियासी मुजाहमत में अपना किरदार अदा करें जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ये काम कर रही है। ये अल्लाह की तरफ से सआदत भी है, हमारे लिए तौफीक भी है कि हमारे ये वर्कर्स ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये इसार कर रहे हैं, ये अपनी अपनी जगहों को, अपने तमाम ज़रूरियात को छोड़ कर यहाँ पर बैठे हुए हैं और आवाम के हक़ की बात कर रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान के आवाम, पाकिस्तान के गरीबों से, मजदूरों से, किसानों से जिनका हक मारा जा रहा है, तलबा से जिन पर तालीम के दरवाजे अमलन बंद किए जा रहे हैं, सिर्फ चंद लोगों के लिए तालीम खुली हुई है, मैं वकला से जो हमेशा बड़ी बड़ी तहरीकों का हिस्सा बनते हैं और डटकर बात करते हैं, मैं उलमा इकराम से जिनकी ये दीनी जिम्मेदारी है कि वो दुनिया में होने वाले इन मजालिम के खिलाफ दीन की बुनियाद पर लोगों को इस पर कायल करें कि ये उनका फरीजा है, दीनी फरीजा है कि वो निकलकर मुजाहमत करें। और मैं तमाम तबकात से, सिविल सोसाइटी से गुजारिश करना चाहता हूं, मैं ताजिरों से और सनतकारों से जिनकी सनतें बंद हो रही हैं, मैं आपके तवस्सुत से ये अपील करना चाहता हूं कि इस तहरीक का हिस्सा बन जाएं। हक दो आवाम तहरीक है ये, और इसमें अभी हमने जो अपना एजेंडा बनाया है उसमें बुनियादी मुतालबात हमने पेश कर दिए हैं, और वह मुतालबात उसका खुलासा यह है कि बिजली की कीमतों में हर सूरत में हमें कमी चाहिए।
ये ज़ालिमाना टैक्सों का निज़ाम इन बिलों से हटाया जाए। तनख्वाहदार लोगों का ये स्लैब जो इन्होंने नाफिज किया है ये जुल्म है। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो तनख्वाहदार तबके का टैक्स है वो भारत के मुकाबले में अगर हम करेंसी को उसको डॉलर की बुनियाद पर भी देखें तो भारत के मुकाबले में 9.4 गुना ज़्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट वसूल कर रही है भारत के मुकाबले में। अब बाकी चीज़ों में उनसे बात करते हैं लेकिन यहाँ नहीं देखते कि वो कितना रिलीफ देते हैं, ये नहीं देखते कि उनकी सरकारी जो जामियात हैं वहाँ चंद हज़ार रुपये में लोग मास्टर्स कर लेते हैं, पीएचडीज कर लेते हैं, चंद सौ लोगों के रुपये में जो है वो कोर्सेज कर लेते हैं। तो आप ये बताइए कि यहाँ जो तालीम का कारोबार है, यहाँ जो तनख्वाहदार के ऊपर टैक्स है, यहाँ जो लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुई हैं, कब्ज़ों की ज़मीनें चली चली आ रही हैं और उसके नतीजे में हमारी ज़राअत भी आगे नहीं बढ़ पाती और किसान भी डेवलप नहीं हो पाता, एक कर्जे का पूरा जकड़ा हुआ निज़ाम है जो इस ज़राअत के शोबे में चंद लोगों की वजह से मौजूद है, फिर जो शुगर मिल्स के मालिकान हैं वो ज़्यादातर हुकूमतों से वाबस्ता हैं, वो गन्ने खरीदते हैं लेकिन उसकी वक्त पर अदायगी नहीं करते और आगे वो जब शुगर बनाते हैं उन्हीं की वजह से इम्पोर्ट होती है, उन्हीं की वजह से एक्सपोर्ट होती है, हालात को ऐसा बना देते हैं, माफिया बन जाते हैं। ये बहसियत मजबूरी यही सूरत हाल है। फिर उसके बाद यही लोग जागीरदार और बड़े सरमायादार हमारी किस्मत के फैसले कर रहे होते हैं। अब आप ये देखें कि फिर इन्हीं लोगों की आईपीपीज भी आपके सामने आती हैं, ये हर हुकूमत के अंदर बड़े अच्छे अहदों और मनसबों पर होते हैं, यानी जहाँ डिसीशन मेकिंग है वहीं उनका मालियाती मफाद भी है, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है लेकिन ये अपने हक में सारे फैसले कर लेते हैं और फिर ये आईपीपीज का धंधा वजूद में आता है। ये आईपीपीज का धंधा क्या है कि जिस वक्त ये मुआहदे किए जा रहे थे, अब तो रिपोर्ट्स मौजूद हैं, वो सेनेट की कमेटी की रिपोर्ट भी मौजूद है, पहले तो उन्होंने छुपा के रखा, हालांकि पाकिस्तान के हर फर्द का ये हक है राइट टू इंफॉर्मेशन क्लॉज के तहत कि हमें मालूम अगर हम चाहें कि वो कौन सा मुआहदा है तो हमारे सामने आना चाहिए। मुआहदे छुपाए गए, गन्ने के फूक पर चलने वाले फ्यूल को इम्पोर्टेड कोल जाहिर किया गया और कई गुना बढ़ाकर कैपेसिटी चार्जेस वसूल किए गए। तलाश में जाते हैं तो पता चला हुक्मरान तबके के ख़ानदान के लोग निकल आते हैं। इसी तरह से नाजायज तरीके से ओवररेटेड करके अपने प्लांट को ज़्यादा कैपेसिटी का शो करके कम कैपेसिटी की इंस्टॉलेशन की और कैपेसिटी चार्जेस ज़्यादा पैसों के वसूल कर रहे हैं, ज़्यादा कैपेसिटी के वसूल कर रहे हैं। दिफाई बजट से ज़्यादा वो बजट हो गया जो इस पर मुश्तमिल था, जो हम वो पैसे अदा कर रहे हैं जिसकी बिजली हम खर्च नहीं कर रहे हैं या जो बन नहीं रही है। तो अंदाज़ा लगाएं कि मईशत कैसे सही होगी। फिर हुकूमत ये कहे कि हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, इन्हीं आई पी पीज़ में हमारे पास 2 से 3-4 ऑप्शन मौजूद हैं, वो आई पी पीज़ अपना सही काम कर रही हैं, वो कौम के सामने लाया जाए, उनकी प्रोडक्शन को यकीनी बनाया जाए, वो सस्ती बिजली दे रही हैं अगर तो फिर उस हाइडल में या विंड में या सोलर में, तो कौम के सामने लाया जाए, उसका पूरा डेटा सामने आना चाहिए और उसके बाद उनको उनकी जो मुद्दत मुआहदा है अगर वो बिल्कुल जायज़ तरीके से हैं तो ऐसी बहुत थोड़ी सी हैं उनको अलाउ किया जा सकता है, जिनकी मुद्दत पूरी हो गई है उसको ख़त्म किया जाए, जिनके कैपेसिटी चार्जेस ज़्यादती है उनको पकड़ा जाए, जिसने ये मुआहदे किए हैं उसको पकड़ के आइन के मुताबिक सज़ा दी जाए। और फिर ये जो लूट मार का निज़ाम है कि आप 1 मेगावाट भी बिजली ना बनाएं और आपको 20 अरब रुपये, 28 अरब रुपये, 50 अरब रुपये मिल रहे हैं और जब तलाश करें तो पता चला ये चंद ही ख़ानदान हैं जो घूम फिर के मुख्तलिफ नामों से ये आई पी पीज़ बनाए हुए हों। और इसमें भी गवर्नमेंट के भी बहुत सारी आई पी पीज़ हैं, गवर्नमेंट तो ये काम कर सकती है, पंजाब गवर्नमेंट की अगर कोई आई पी पी है, वफाकी गवर्नमेंट की अगर कोई आई पी पी है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, इस उसमें किसने रोका है कि आप उनका मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकते। लिहाजा ये बात कह के पाकिस्तान की कौम का खून न निचोड़ा जाए कि हम इन मुआहदों के पाबंद हैं, हर मुआहदे में एग्जिट क्लॉज होती है, हर मुआहदे में इस तरह की चीज़ होती हैं कि जो स्टेट जो होती है उसका एक इख्तियार होता है। और फिर एक और बात है कि अगर कोई भी इख्तियार स्टेट ने अपने पास नहीं रखा और सोवियन गारंटी दे दी तो जिसने ये काम किया है उसको कौन से चौक में लटकना चाहिए इसका फैसला खुद ही कर लीजिए, वरना अगर आवाम ने यह काम करना शुरू किया तो आप सोच सकते हैं कि अनार्की होगी, फसाद होगा और फिर रुकेगा नहीं मामला। इसलिए
ये क्या ज्यादती है कि आप हुकूमत में जब शामिल, नून पीपल्स पार्टी 1994, फिर नून लीग, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग, ये धंधा क्या चल रहा है? और फिर हम ये भी कहना चाहते हैं कि जब पीटीआई के जमाने में ये सारी चीजों पर बात हुई और कमेटी बनी और उसकी रिपोर्ट भी आई, तो फिर उस बात को आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन जाहिर है वो ये कह सकते हैं कि हमारी मुद्दत थोड़ी थी, लेकिन हम ये समझते हैं कि हर हुकूमत में वो तबका मौजूद होता है जो वजारतों में और मुशीर भी होता है और उसके बड़े बड़े स्टेक्स भी हुकूमत और रियासत से वाबस्ता होते हैं। मसलन हम कह सकते हैं कि रज़ाक दाऊद साहब तो थे ना वहाँ पर कि जो हुकूमत में शामिल थे, नदीम बाबर साहब तो थे ना, और इस वक्त भी जब शरीफ खानदान हुकूमत कर रहा है तो उनकी आईपीपी अपनी मौजूद है ना, इस वक्त भी इनके वज़रा में से कई लोग मौजूद हैं, इस वक्त भी मंशा ग्रुप तो मौजूद है ना, इस वक्त भी हबीबुल्ला ग्रुप तो कितनी आईपीपीस को चलाने वाले और कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर हजारों अरब रुपए वसूल करने वाले मौजूद है ना। तो जब ये सब लोग मौजूद हैं, तो जब ये इतना कमा चुके हैं, तो इनसे इनको क्यों नहीं हम इस पर कायल कर सकते कि ये जान छोड़े हमारी। और कोई पाकिस्तान का लोकल सनतकार ऐसा नहीं है कि जिससे निगोशिएट ना किया जा सकता हो। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, निगोशिएट करने वाला होना चाहिए। इसलिए ये कहकर जान नहीं छुड़ाई जा सकती कि मुआहिदों पे ये इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे। फिर चाइना से भी पूरे वकार के साथ बात की जाए, हम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हम उनके अच्छे बुरे के दोस्त हैं, चाइना ने हमारे साथ तआवुन किया है, तो चाइना के भी एक हिस्ट्री है। एक ज़माने में तो उनकी एयरलाइन ही नहीं थी, पाकिस्तान से फ्लाइट्स इंटरनेशनल लाकर चलाया करते थे। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हमें वो हुक्मरान तबका मिला कि जो कुछ नहीं थे वो दुनिया के जो चलाने वाले बन गए, और जो बहुत कुछ थे उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चाइना हमारा दोस्त है। ये सिर्फ जुबानी बातें नहीं होनी चाहिए कि हिमालय से ऊंची और जो है वो बैरुल काहिल की गहराई, अगर ये गहराई मौजूद है और हमें एक दूसरे की जरूरत है, तो कौमी वकार के साथ उनसे निगोशिएट किया जा सकता है। अब भी बहुत सारी चीजों में हमें एक दूसरे की जरूरत है, लिहाजा ये आईपीपीस का इशू ऐसा नहीं है जो रिजॉल्व नहीं हो सकता। हमारा ये मुतालबात में सरफहरिस्त चीजें हैं, इसलिए हम एक जायज मकसद के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। आज हमने तय किया है कि जलसयाम होगा और कल खवातीन का जलसयाम होगा, और मैं ये देख रहा हूं कि हमारे लोग शदीद बारिश में, धूप में, गर्मी में, शदीद हब्स में यहां पर मौजूद हैं और हालात को फेस कर रहे हैं। इस बड़े कौमी मकसद के लिए मैं पूरे पाकिस्तान से कहता हूं कि वो इस धरने को सपोर्ट करें, जो नहीं पहुंच सकता वो सोशल मीडिया के जरिए से इसको सपोर्ट करें। और हो सकता है कि आज मैं जलसयाम में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा धरनों का ऐलान करूं। हमारी मुशावरत आज इस पर होगी कि पाकिस्तान के किस किस इलाके में जिस तरह यहां धरना मौजूद है, इसी तरह से धरने शुरू किए जाएं। तो हमारे इंशाल्लाह ये धरने का पूरा सिलसिला हक लेकर ही इंशाल्लाह हम जो है वो उठेंगे, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। जहां तक मुज़ाकरात की बात है, मुज़ाकरात का मामला ये है कि हमने पहले दिन से ये बात कही थी कि अगर हुकूमत इन जायज़ मुतालबात को हमारे धरने से पहले ही मान लेती तो हमें क्या जरूरत थी। अब बात यह है कि धरना और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे, और ये धरना बल्कि शायद पाकिस्तान भर के धरने ये होंगे, ये सोवियन गारंटी होगी अब इस मुज़ाकरात पे अमल दरामद की। हमें कोई और गारंटी नहीं चाहिए हुकूमत से। इनकी जुबानी जमा खर्च वो हमने पहले भी बहुत देखी है, अब आवाम की ताकत इंशाअल्लाह गारंटी बनेगी, और पुरमन सियासी मुजाहमत अपने हक को लेने के लिए इंशाअल्लाह गारंटी बनेगी। इसलिए हम ये समझते हैं कि हुकूमत को भी मुज़ाकरात को, मामले को टालने के लिए नहीं, ये जमात इस्लामी अब ये जान छोड़ेगी नहीं, ये मैं बहुत वाजे तरीके से बता दूं, ये जो जान नहीं छोड़ेगी, ये मसला हल करना पड़ेगा, ये गरीबों का, मिडिल क्लास का, ये ताजरों का, सनतकारों का, ये 25 करोड़ लोगों का मसला है, ये आप रिजॉल्व करें। हाँ, मैं मीडिया के सामने ये भी कहना चाहता हूँ कि हम भी वो लोग नहीं हैं जो ऐसी आफाकी बात करें जो हो नहीं सकती। जो ग्राउंड रियलिटीज़ में मुमकिन है हुकूमत के लिए, उस पर हम अपना इनपुट भी देंगे, हम बताएंगे कि ये काम ऐसे करना है और ऐसे करना। हमने, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, ये नहीं है कि हम एक ऐसा मुतालबा करें कि जो पूरा ही नहीं हो सकता, उसकी तदरीज होती है, वो हम जानते हैं। हम कोई बढ़के मारने वाले लोग नहीं हैं, संजीदा बात करने वाले लोग हैं।
इसलिए अगर हम मुतालबा कर रहे हैं तो उस मुतालबे पर अमल दरामद का रास्ता भी बताएंगे, लेकिन फिर भी अगर ये धोखा देंगे तो इसका मतलब ये है कि सब मिले हुए। लिहाजा बहुत वाज़े तरीके से हम यहाँ पर मौजूद हैं। आज एक बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह, जलसा आम, कल ख़वातीन का जलसा आम है, आज हमारी मुशावरत भी होगी, आज मुज़ाकराती कमेटी हमारी हमने बना दी है, लियाकत बलोच साहब उसके सरबरा हैं, जनाब हमारे अमीरुल अज़ीम साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो उसके मेम्बर हैं, नसरुल्लाह रंधावा साहब जो हमारे इस्लामाबाद के अमीर हैं और बड़े ज़ाहिर है कि कम्युनिकेशन और इसके बड़े एक्सपर्ट हैं, वो इसके मेम्बर हैं, और फ़िरासत शाह साहब जो मुल्क की मईशत ऑयल एंड गैस एनर्जी इसके एक्सपर्ट हैं और हमारी टीम का हिस्सा हैं, वो इस कमेटी के मेंबर हैं। तो ये कमेटी बात करेगी और ज़ाहिर है फिर जमात इस्लामी की मरकज़ की अप्रूवल से फिर जो है वो इस पर फाइनल जो है वर्जन जारी किया जाएगा। हम संजीदगी से मुज़ाकरात करेंगे लेकिन मुज़ाकरात को मामला टालने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और मेरी हुकूमत से एक मुतालबा ये भी है कि इस वक्त भी मुख्तलिफ जगहों पर कुछ वर्कर्स हमारे डिटेन किए हुए हैं, तो अच्छी बात यह है कि आज जो मुज़ाकरात का पहला दौर है उससे पहले ही उनको रिलीज़ कर दिया जाए। बहुत सारे कल हुए हैं, उससे पहले परसों हुए हैं, लेकिन अब जो रह गए हैं उनको भी आप रिलीज़ करें। आप अपना जेस्चर ठीक देंगे तो मामला ठीक तरीके से चलेंगे, और आपका जेस्चर ख़राब होगा तो पहले ही मरहले पर बातें रुकावट बनना शुरू हो जाएंगी, ये अच्छी बात नहीं है। सबको रिहा करें और इस धरने को, हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं कि ये धरना यहाँ तक रखना है या दोबारा से हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें, ये इन्हिसार अब हुकूमत के ऊपर है। वो किस तरह का धरना चाहते हैं, वो ये मरी रोड वाला ही धरना चाहते हैं या ये धरना इस्लामाबाद में डी चौक पे जाए या पार्लियामेंट हाउस पे जाकर बैठे, सारा इन्हिसार हुकूमत की संजीदगी पर है। अब बॉल उनके कोर्ट में है वो, और ये हमारे लिए नहीं हो रहा, ये धरने की शुरुआत के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत के लिए हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की आमद का। लियाकत बलोच साहब यहाँ मौजूद हैं, आज इनकी पहली मीटिंग होनी है, हमने मीटिंग से जो जाहिर तैयारी है वो हमारी अपनी मौजूद है, अभी भी हम मुशावरत करेंगे एक और उसके बाद बात शुरू होगी। और मैंने अर्ज कर दिया है कि अब सारा इन्हिसार हुकूमत है कि वो संजीदगी से बात करते हैं और मसलों को रिजॉल्व करते हैं, मुतालबात को मानते हैं तो फिर बात आगे बढ़ेगी, नहीं मानेंगे तो हम तो बैठे ही हुए हैं, हम जा थोड़ी रहे। जी मुज़ाकरात के लिए ये रखेंगे या जिस जगह वो कहेंगे वहाँ जाएंगे, वो अब देखिए ये हमारे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मसला हल होना चाहिए, इधर बैठ जाए या उधर बैठ जाए या इधर बैठ जाए ये कोई इशू नहीं है। हम ऐसी चीज़ों के अंदर अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहते जो मामलात को ख़राब करें। अब ये लियाकत साहब जाने, वो कमेटी जाने, इनकी टीम जाने कि कहाँ बैठकर पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की तर्जुमानी करनी है, हमने इन पे छोड़ दिया, हमने इनको ओपन कर दिया। सर ये बताइएगा कि कल मुज़ाकराती कमेटी यहाँ पर आई थी, उनके रवैयों को आपको कैसे लगे कि संजीदा थे या नहीं संजीदा थे? और दूसरी बात ये बता दीजिए कि अगर आज ही आपके मुतालबात मान लिए जाते हैं तो आज और कल वाला जो जलसा आम है वो आप जो आपने ऐलान किया वो जारी रखेंगे या खत्म हो जाएगा? नहीं, जलसा तो हर सूरत में होगा, और इसी तरह से ये जो बातें होती हैं ना, अभी मसला ये हो गया है कि इतने तजर्बों के बाद ऐलानात नहीं इकदामात से हम जांच रहे हैं अब लोगों को, अगर इकदाम सही होगा तो हम उनका ऐलान भी सही समझ लेंगे। तो शक्ल सूरत तो अल्लाह ताला ने सबकी बहुत अच्छी बनाई है, बातें भी लोग बड़ी मीठी मीठी करते हैं, काम क्या कर रहे हैं असल बात होती है, तो हुकूमत काम ठीक करे तो अच्छी तरीके से बात हो जाएगी। हाफिज साहब ये बताइएगा, काई साहब के बाद पहली दफ़ा देखा है कि जमात इस्लामी बहुत बड़ा धरना करने में कामयाब हुई है रावलपिंडी में, लेकिन आपका पहले मोटो ये था कि डी चौक जाना है, ठीक है, और अताउल्लाह तारण ने कहा जी आपसे तो पहले बात हुई थी लियाकत बाग जाना है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से आपके मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, सिर्फ टोपी ड्रामा करने के लिए आप आए हैं? नहीं, अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए और आवाम को रिलीफ मिल गया तो आपको परेशानी है? भाई ऐसी बातें क्यों करते हैं, मसला ये है कि अगर बिजली की कीमत जो है अगर ये कम कर दें तो हम गोली चलाने थोड़ी आए हैं। बात यह है कि हमें तो डी चौक जाना था, हम डी चौक जा सकते थे, बल्कि हमारे बहुत सारे लोग जिनसे हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो सकी जो पहले से आए हुए थे वो तो डी चौक 2 मरतबा पहुंच गए, ये काम तो हम कर चुके हैं, हमारे वर्कर हमारे कहे बगैर ही पहुंच गए थे, इसलिए कि उन्हें पता नहीं चला कि हमने प्लान बी बना लिया है। लेकिन उसके बावजूद हमने अपने धरने को कई धरनों में तकसीम कर दिया था अपने प्लान बी के तहत, और वो बहुत आपने देख लिया था 0 पॉइंट पर, इसी तरह से 26 पर, इसी तरह से जो है वो यहाँ
खुद मरी रोड पर और फिर डी चौक पर भी लोग पहुंच गए थे। इस सब के बावजूद हमें यह अंदाजा हुआ कि अगर ये पूरा मॉब वहां जाएगा और अगर ये रुकावट डालेंगे तो ये पुलिस और हमारे वर्कर्स के दरमियान बहुत बड़ा टकराव हो जाएगा। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। हुकूमत तो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रही थी, जमात इस्लामी ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और हमने तसादुम से बचाया पाकिस्तान के अवाम को, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को। ये एक एक वर्कर बहुत कीमती है, ये जान देने के लिए तैयार हैं, ये हर जगह पहुंच रही है, रोज मुझसे मुतालबा करते हैं डी चौक जाना है। लेकिन ये हमारी क्यादत की बालिग नजरी है कि जिसने अपनी रेजिस्टेंस को ख़त्म किए बगैर, अपनी मुजाहमत को ख़त्म किए बगैर हुकूमत की इस साजिश को नाकाम किया। वो हंगामा करवाते, पुलिस को इस्तेमाल करते, पुलिस और आवाम आमने सामने होते, लोग कोई गोली चलती शहीद होते, जख्मी होते, मारदार होती और हम कहते हैं कि हमारा धरना कामयाब हो गया। और पॉलिटिकल पार्टीज ये करती हैं कि इस तरह के हालात पैदा करके फेस सेविंग हासिल करना चाहती हैं, वर्कर को मरवा देते हैं और फेस सेविंग लेके घर बैठ जाते हैं, मसला हल नहीं होता। हमने फिर अपने प्लान बी के तहत ये तय किया कि ये सारे धरने अब एक जगह पर आकर मरी रोड पर आ जाएंगे और यहीं बैठ कर हम अपनी पूरी स्ट्रेटेजी, और आज भी मैं आपको वाजे करना चाहता हूँ कि डी चौक से हम दस्तबरदार नहीं हुए हैं, बल्कि मामला अब सारा हुकूमत पर इनसार है। अगर ठीक चलेंगे तो ठीक चलेंगे, वरना डी चौक से भी आगे पार्लियामेंट हाउस का गेट भी मौजूद है। हाफिज साहब, सवाल ये है कि अगर हुकूमत और आपके दरमियान को मुआहदा हो जाता है, वो आपकी बात मान लेते हैं लेकिन वो बिजली कीमतों में कमी नहीं करते, तो जैसा आप ए बी सी, आपने खुद का बी प्लान कारकुनान को नहीं पता था, क्या कोई जमात ने सी प्लान भी ऐसा रखा जो कारकुनान को नहीं पता? सारी राज की बातें तो मैं आपको नहीं बताऊंगा ये तो नहीं हो सकता ना, मैंने तो बी भी नहीं बताया था आपको, तो इसलिए बहरहाल हम बिल्कुल इसमें हमारी बिल्कुल यकसुई है कि ना सिर्फ मुआहदा करेंगे बल्कि अमल दरामद का रोड मैप भी और अमली इकदामात भी। जब शुरू होंगे तो धरना ख़त्म होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो बातें करें, अच्छी अच्छी साइन करें और चले जाएं। इनके बहुत सारे साइन बहुत सारी जगहों पे हुए हैं, अमल दरामद नहीं करते। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। हाफिज साहब आप खरी से ठीक है? हाफिज साहब ये बताइए कि हुकूमत के पास एक रवायती जस्टिफिकेशन मौजूद है जो आपके भी नॉलेज में है कि वो कहते हैं कि ये तो निजी कंपनियाँ हैं जिनसे इंटरनेशनल मुआहदे हुए हैं और ज़ाहिर है उनसे मुज़ाकरात जो है, बातचीत तो पहले भी इनफॉर्मली उनसे हुई, लेकिन ये तो एक लंबा प्रोसेस होगा, तो आप की तजावीज़ में ये बात भी शामिल है कि जो हुकूमत मुज़ाकरात करे आईपीपीज के मालकान के साथ तो उसमें जमात इस्लामी भी मौजूद हो, या आप ये आईपीपीज का मामला हुकूमत को ही हल करने की दर दें? बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की है, उसको ये मसला हल करना चाहिए। हमारी तरफ से ये पेशकश मौजूद है, ईमानदारी से टेक्निकल ग्राउंड पर एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए, पॉलिटिकल नेगोशिएशन के लिए जमात इस्लामी तैयार है। और ये सिर्फ इसी मसले पे नहीं, पूरी कौम फंसी हुई है इस वक्त। इस कौम को अगर निकलना है, इदारों को, हुकूमत को, अपोजिशन को, तो जमात इस्लामी इसके लिए भी मौजूद है कि हम ये काम भी कर सकते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती हमें घुसने की का शौक नहीं है, पहले ख़ुद तो तैयार हों अपनी अपनी आइनी पोजिशन पर जाने के लिए। लेकिन जहाँ तक आई पी पीज़ का ताल्लुक है, इन आईपीपी से बहुत अच्छे तरीके से वही निगोशिएट कर सकता है कि जिसका अपना कोई स्ट्रेक नहीं और उसमें जमात इस्लामी सरे फहरिस्त है, तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हुकूमत इस काम को अंजाम दे और हम ऐसी गारंटीज हासिल करेंगे जिसके नतीजे में वो धोखा ना दे सकें हमें। मसला आवाम का है भाई, हमारी अना का नहीं है, सीधी सीधी बात जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हाफिज साहब। प्लीज प्लीज जी जी। हाफिज साहब, आपका जो एहतजाज का ऐलान था डी चौक था, वफाकी हुकूमत के खिलाफ था। आप पंजाब में बैठ गए, जब इंटीरियर मिनिस्टर से राबता हुआ तो रैली का जो रुख है फिर लियाकत बाग की तरफ मोड़ा गया, तो आप बी प्लान तक पहुंच गए हैं, आगे जी एच क्यू है, तो आगे कोई प्लान है? अच्छा, अब आप क्या चाह रहे हैं कि हालात को आप वहीं पर ले जाएं जहाँ से बिगड़ते हैं? सर ऐसी बातें ना करें। अब ये इस तरह की जो एडवेंचर्स हैं ना, इसका मुतहम्मिल पाकिस्तान नहीं हो सकता। ये बातें करने में सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी लगती हैं, जीएचक्यू पहुंच जाओ, आतपारा पहुंच जाओ, फलां चलो। मैं भी ये कह सकता था ना, तुमने हमें इस्लामाबाद से रोका, हम पिंडी में आ गए, कह सकता था ना, इसका मतलब भी सबको पता है, लेकिन मैं नहीं कह रहा। बात यह है कि हम अपना जमहूरी आइनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं और हम ना तसादुम चाहते हैं, ना किसी इदारे से लड़ना चाहते हैं, ना हुकूमत से लड़ना चाहते हैं, ना पुलिस से, ना रेंजर से, ना आर्मी से। हम पाकिस्तान के आवाम हैं, उसके तर्जुमान हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम इस धरने से उम्मीद बांध कर बैठ गई है, तो हम भी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस काम को कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि पेशरफ्त कर रहे हैं। अगर हम पीछे हट गए होते ना, तो फिर आप कहते कि आपने डील कर लिया, हमें डील करके आप
यानी लोगों हमारे मुतालबात मान लिए जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें चाराने भी नहीं चाहिए भाई, हमें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, और ये नहीं मानेंगे तो हम जो मुजाहमत कर रहे हैं उससे हमें क्या मिल रहा है, हम इशार और कुर्बानी दे रहे हैं ना। इसलिए ये बातें अब ख़त्म करें, बिल्कुल अपना आईनी जमहूरी कानूनी हक इस्तेमाल किया है, बेहतरीन हमारी हिकमत अमली है जिसको पूरे पाकिस्तान ने अप्रिशिएट किया है, और हम मजीद किसी ऐसी चीज़ में नहीं जाना चाहते जिससे तबाही फैले। अलबत्ता ये बात समझ लें कि अगर धोखा देने की कोशिश करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। आखिरी ये बताइएगा कि आप अपनी अक्सर तकारीर में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत करार देते हैं, एक ऐसी हुकूमत जिसके पास अवाम का मैंडेट ही नहीं है, आप उनसे मुज़ाकरात करने बैठे हैं जिनके पास अवाम की तायीद ही नहीं है। इसके जवाब में मैं एक बात कहता हूँ कि जब कोई हाईजेकर जहाज को हाईजेक कर लेता है तो मुज़ाकरात किससे होते हैं, किससे होते हैं? तो भाई अब आ गए तो हैं तो यही ना, बात इनसे करेंगे और जिद्दोजहद करेंगे और इंशाल्लाह जो सही मैंडेट है उसको लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया।